आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज हम बनाने जा रहा है एक बहुत ही फेमस रेसिपी, जापान फेमस रेसिपी विद आवर अमूल चीज। सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अमूल को धन्यवाद कहना चाहती हूँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस देने के लिए, मेरा डिश को आप सबको शो करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच अमूल। एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक्स टू ड्रीम कैचर शालिनी दी, आवर अनीता दी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब सब जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं आज बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस, जो हम एकदम रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत ही पैसा खर्च करके हम रेस्टोरेंट में वो डिश खाते हैं। तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने ये डिश अमूल की चीज़ की मदद से हमारा घर में ही बना लेती है, तो हमको बार बार पैसा खर्च करके रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़े। तो आई होप कि आप सब ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं आज अमूल चीज़ से बनाऊंगी जापानी क्विज़िन डिश सुशी, जिसका नाम है चीजी सुशी। कितना जमा है? तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। मैं बनाने जा रही हूँ आज सुशी अमूल चीज़ की मदद से। तो पहले मैं ये अमूल की चीज़, छोटा छोटा जो चीज़ की क्यूब होता है वो मैंने पहले ओपन कर लेती हूँ। और कोई एक मुझे बताइए कि मेरा ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, प्लीज समवन रिप्लाई मी। बहुत ही अच्छा होता है अमूल चीज़, आई होप कि आप सबने यूज़ किया है इसके पहले भी अमूल चीज़, जो बहुत स्वादिष्ट होती है। पहले मैं इसे अनरैप कर लेती हूँ। तो अभी हम पैन को ऑन कर देते हैं और इसमें मैं ऐड कर लूंगी 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। पैन को हीट होने के मैं ऑयल को रख देती हूँ पहले अच्छे से हीट होने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये चीज़ बनाने के लिए और क्या क्या सामान चाहिए हमें। तो पहले हमें चाहिए ये नूडी सेट, दिस इज जापानीज, यू ऑल नो दैट। हमें ये नूडी सीप चाहिए जापानी सुशी बनाने के लिए। तो आई हैव दैट नूडी सीप एंड देन वी हैव दिस काली मिर्च सॉल्ट एंड यू हैव द रेड चिली सॉस, ब्लैक सीसिंग एंड जापानी सुशी राइस। आई नीड जापानी सुशी राइस। तो मैं सुशी राइस को बॉईल करके रखी हूँ यहाँ पे, 1 कप सुशी राइस, उसके साथ में 2 कप पनीर मिला के इसको बॉईल करके रखी हूँ। और हमको हमें लगेगा इसमें ऑरिगेनो एंड गार्लिक पाउडर और जो मेन इंग्रेडिएंट इज विल बी अमूल चीज़। ओके, तो मैं ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया हूँ पैन पे। अभी मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ली हूँ 2 टेबल चम्मच फ्लावर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न फ्लावर। सो आई विल मिक्स इट। आई विल एड सॉल्ट 2 टीस्पून, हाफ टी स्पून एंड हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर एंड आई विल एड वाटर एंड प्रिपेयर अ बैटर। अच्छा
thicky batter I will prepare. अब देख रहा है यहाँ पे मैं बैटर को अच्छे से थिक कर रही हूँ. यहाँ पे एकदम हीट हो गया है. सी दिस बैटर. आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है ये, ठीक है? नहीं कितना दिन जाए किया है? 52. ओके. तो मैंने सुशी को फ्राई, मतलब ये चीज को, सुशी का जो इनसाइड में जो फीलिंग्स होता है ना, उसमें मैं इस चीज चीजी पकोड़ा टाइप सुशी के इनसाइड का रैपिंग में रखूंगी, तो इसलिए मैं उसका बैटर बना लिया. तो अभी ये जो अमूल का चीज है चीज क्यूब, इसको मैं ऐसे 20 में से काट लूंगी. एक चीज से मैं दो टुकड़ा करूंगी. देखिए हमको ऐसा पीसेस चाहिए. एंड देन आई विल टेक, मैं एक स्टिक लूंगी और इसमें मुझे ऐसे ये चीज को ऐसे करना है. मैं दो क्यूब को एक साथ करूँ, ठीक है? ये बन गया वन स्टिक विद चीज. एंड आई विल टेक अनदर वन. It will be like a lollipop. You can say it is as a cheese lollipop type. I will prepare. तो my ये oil भी एकदम गर्म हो गया है, तो मैं इसका temperature set कर रही हूँ. और ये set हो गया है और मैं अभी ये जो batter बनाया हूँ इसमें इसके साथ मैं एक चीज को, चीज लॉलीपॉप को इसमें डिप करूंगी और इसको फ्राई करने दूंगी. अच्छे से इसको कोटेड होना चाहिए ये चीज. अब देखिए इससे अच्छे से कोट कर लेंगे हम और ये चीज लॉलीपॉप को हम दे देंगे फ्राई करने. मैं और एक भी ऐसी तरीके से इसको भी बना लेती हूँ. अच्छे से ये बैटर के साथ रैप होना चाहिए. ये जाएगा हमारा सुशी का फिलिंग्स में. इसको मैं भी मैं ऑयल में दे रही हूँ फ्राई करने के लिए. तो इससे मैं गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करूँगी. वेट करेंगे इसे जब तक ना ये अच्छे से फ्राई हो जाए. इसको अच्छे से फ्राई होने तक हम वेट करेंगे. मैं टेम्परेचर चेक कर रही हूँ अब इसमें. ये अच्छे से फ्राई हो रहा है. तो ये है हमारे एक फिलिंग जो जाएगा सुशी के अंदर. मैं अभी दिखा रही हूँ और मैं सुशी के अंदर देने वाली हूँ ये क्यूकुम्बर स्लाइस. तो इसे मैं कैसे काटती हूँ आप भी देख लीजिए. पहले मैं एक ऐसा एक साइज कर लूंगी ऐसे. देन इसको साइड की पोर्शन मुझे चाहिए सुशी के लिए ऐसे रख के. देन मैं इसे 4 पीस साइज में एक स्लाइस से निकालूंगी. तो हमें ऐसे स्लाइस चाहिए सुशी के अंदर फिलिंग करने के लिए. ओके तो मैं ये स्टफिंग को भी थोड़ा पलट दे रही हूँ.
वेट करते हैं जब तक मेरी अच्छे से फ्राइड हो जाए। देख सकते हैं हमारा वो चीजी फ्राइड रेडी हो गया है। चीजी फ्राइड रेडी हुआ है और ये हमारा सिस्टम भी एकदम बन के रेडी हो गया है। और मैं और भी थोड़ा सा स्लाइस ले लूंगी फॉर डेकोरेशन के लिए। ऐसे करके मेरा क्यूकम्बर का स्लाइस चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, हमारा सारा फिलिंग एकदम रेडी हो गया है। अभी सुशी के लिए मुझे चाहिए ये बैम्बू मैट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सुशी बनाने के लिए। तो मैं ले रही हूँ एक बैम्बू मैट एंड देन आई विल टेक वन सुशी सीट, मूड़ी सीट, इसको मूड़ी सीट कहते हैं। एक नूडी सीट चाहिए, मैं थोड़ा बहुत इसको काट कर लूंगी, इतना मुझे लेट चाहिए। और मैं ये नूडी सीट को थोड़ा काट कर लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए हम उतना यूज कर सकते हैं। ये सब आपको ऑनलाइन में अवेलेबल है, ये सब नूडी सीट आपको ऑनलाइन में बहुत इजीली मिल जाएगा, तो यू कैन यूज इट। आई विल टेक वन स्पून और हब हमें क्या करना है कि हब हमें ये जो हमारा सुशी राइस है, इसको स्टिकी राइस, जापानी स्टिकी राइस, इसको थोड़ा सा हमें एक थोड़ा सा फ्लेवर देना है। तो इन जापानीज दे यूज, वी विल यूज द 2 टीस्पून ऑफ विनीगर। एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर and I will add 1/2 teaspoon of salt. Then ये राइस को हमें विनीगर का एक फ्लेवर इसमें रहेगा। You can see हमारा ये स्टिकी राइस बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसको ये बैम्बू के ऊपर में ये नूडी सीट रख दी हूँ। अब इसमें मैं हल्का सा इसमें मैं ये राइस दे दूंगी, ऊपर से ये राइस को हल्का सा 1/2 इंच का लेयर मैं ये स्टिकी राइस पे बनाऊंगी। ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस करके इसमें स्टिकी राइस का 1/2 इंच का लेयर हमें बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा एकदम जो सीट का जितना साइज है उतना मैंने पूरा नहीं बनाया है।
पोर्शन मुझे गैप रखना है उसके आगे तक, मुझे एकदम फिल कर दी हूँ मैंने ये स्टिकी राइस के साथ। तो अब मैं इसका फिलिंग्स दूंगी। तो मैंने जो ये बनाया चीजी लॉलीपॉप, तो मैं एक चीजी लॉलीपॉप इसमें रख दूंगी और इसके साथ मैं दे दूंगी एक क्यूकुम्बर स्लाइस बीच में या ऊपर से भी दे सकते हो आप। मैं एक साइड में देती हूँ और एक ऊपर। देन आई विल ऐड रेड चिली सॉस। देन आई विल ऐड दिस ब्लैक सीजन। इसको बस ऐसे ऊपर से, ये ठीक से दिख रहा है ना, क्लोज भी दिखा, क्लोज क्लोज एकदम। ये ब्लैक सीजन भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। अभी मैं इसको हल्का हाथों से फोल्ड करने वाली हूँ, जैसे कि यू नो हमारा सुशी सी जैसे होता है। पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसका एक पहला फोल्ड कर लूँगी थोड़ा सा प्रेशर देकर। देन इसको थोड़ा हल्का हाथ से पीछे लाऊंगी मैं, ताकि क्योंकि ये अच्छे से सेट होना चाहिए। So you can see, मैं इसका एक अच्छा सा राउंड शेप देना चाहती हूँ। So you can see ये एकदम रेडी हो गया है। मैं इसको हटा देती हूँ और मैं now I am ready to cut this sushi. नाइफ की हेल्प से मैं इसको अच्छे से काट कर लूंगी। तो पहले ये मुझे नहीं चाहिए, नूडी शीट से अराउंड 5 to 6 पीसेस आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये चीज का फीलिंग। और मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा और भी चीजें ऐड करना चाहूंगी। मैं पहले पूरा काट देती हूँ। देख रहा है कि हमारा ये चीजी सुशी एकदम रेडी हो गया है। मैं इस ऊपर से और थोड़ा सा सिसिम देना चाहूंगी। अब सब ये जरूर घर पे ट्राई कीजिए, तो आपको बार बार रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़ेगा सुशी खाने के लिए। ये बहुत ही फेमस होता है और बहुत ही खाने में ये बहुत ही लाजवाब होता है। तो एक सॉस के साथ सर्व करते हैं, ये बहुत फेमस है, चॉपस्टिक से ये खाते हैं। तो हमारा सुशी एकदम रेडी हो गया है। तो अमूल चीजी सुशी एकदम बन के रेडी हो गया है। थैंक यू।
टू सो मच सबको, बाय, लाइक करिएगा।